नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। बड़ी खबरों को लेकर हाजिर, मैं हूं निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश में चल रहे समाजवादी घमासान का कनेक्शन अब नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के घपले से भी जुड़ गया है। आज मुलायम सिंह ने आरोप लगाया कि अपने बेटे बहू को बचाने के लिए रामगोपाल यादव कई बार बीजेपी अध्यक्ष से मिले। मुलायम ने रामगोपाल यादव पर बेटे बहू के कहने पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी में चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। मुलायम सिंह यादव ने अब रामगोपाल यादव के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। मुलायम ने पहली बार रामगोपाल यादव के बेटे और बहू पर यादव सिंह के घपले में शामिल होने का आरोप लगाया। मुलायम ने कहा कि रामगोपाल अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए तीन बार बीजेपी अध्यक्ष से मिले। और तीन बार का पूरा दिल हमें क्या हमसे कहते हमें सुनाएंगे आपकी बहू का लड़का जो हम सुनाएंगे मैं गलती करता था दरअसल नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह से जुड़ी कई कंपनियां सीबीआई जांच के घेरे में हैं। ऐसे ही एक कंपनी से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और बहू ऋचा का नाम जुड़ा हुआ है। मुलायम ने रामगोपाल पर नई पार्टी बनाने का आरोप लगाया। मुलायम ने कहा कि नई पार्टी और नए चुनाव चिन्ह की मांग रामगोपाल कर रहे हैं, वो नहीं। पार्टी समाजवाद पार्टी नाम और वो मोटरसाइकिल स्किन ये किन्हीं ने किन लिया रामगोपाल राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव मुलायम के चचेरे भाई हैं और अखिलेश खेमे के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। चुनाव आयोग में अखिलेश की ओर से वही मोर्चा संभाले हुए हैं। एसपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी रामगोपाल यादव ने ही बुलाया था। इसी अधिवेशन में मुलायम को हटाकर अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ से अमिता पारुल, विवेक तिवारी के साथ दिल्ली से अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।